सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आने वाले 31 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन डाल्टनगंज की हाउसिंग कॉलोनी में होना तय किया गया है। सोमवार को डाल्टनगंज के परिसदन भवन में प्रेस को जानकारी देते हुए सरकार में स्वास्थ्य विभाग मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने संयुक्त रूप से कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन में 1650 बूथों की कार्यकर्ता संगठन की कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री रघुवर दास से सीधा संवाद करेंगे। बताया कि 5 विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 20,000 कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असाना विधायक आलोक चौरसिया, पलामू भाजपा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र पांडे, प्रदेश मंत्री मनोज सिंह सहित संगठन के कई कदावर नेता उपस्थित थे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो यहाँ बता रहे हैं, प्रत्येक बूथ के जितने हमारे बूथ कर्मी हैं सब जो है 16,950 जितने जो हमारे बूथ हैं सभी के लोग यहाँ आने वाले हैं। अब सभी से बात करेंगे और वह एक हुंकार भरेंगे क्योंकि यह चुनाव का मैदान में हम लोग कूदने जा रहे हैं। संगठन बड़ा होता है, इसलिए संगठन को पूजा करने का काम करेंगे और यह निर्देश देंगे कि जो जो काम झारखंड में हुआ है उसको लोग कहेंगे कि गांव-गांव में जाके बताइए और एक चुनाव की तैयारी करिए, क्योंकि हम लोग का 65 पार करने का जीतने का लक्ष्य है, उसको पूरा करने का वह निर्देश देंगे। और दूसरा चीज, सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय नड्डा साहब के, जो जब वह देश के स्वास्थ्य मंत्री थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने 3 मेडिकल कॉलेज देने का काम किया था जो वह आज जो है नया मूर्त रूप हो गया और हम चालू करने जा रहे हैं। जो है अगले माह से हम पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए उनका बहुत बड़ा दिन है। हम झारखंड की धरती पर उन्हें आभार प्रकट करते हैं और पलामू वासियों की ओर से भी आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा दिन बनाया। की बार 65 पार, देश के इतिहास में पहली बार गांव की सरकार, गरीब का सरकार, मजदूर का सरकार देश में के राज में बनी है और अनेकों कार्यक्रम इन ऐसे लोगों को सुविधा देने के लिए चलाए गए हैं। आम आदमी महसूस कर रहा है कि 5 साल पहले कहां पलामू खड़ा था और 5 साल के बाद पलामू कहां खड़ा है। भय मुक्त शासन, किस प्रकार से भय का माहौल इस क्षेत्र में था किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन आदरणीय रघुवर दास जी का देन है कि आज के दिन में भय मुक्त होकर के लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं और समाज के अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण पहुंच रही है और अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। इसी मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आगमन 31 तारीख को हो रहा है। कार्यकर्ताओं में, पलामू जिले का कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, बहुत गर्मजोशी के साथ यहाँ के कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। 16,950 कार्यकर्ता उस बूथ सम्मेलन में बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे।